Redmi Note 10 Pro Hotspot Setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Xiaomi के डिवाइस पर हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हॉटस्पॉट सेटिंग के बारे में जानना है तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरा जरूर से देख लेना। मैं आपको पूरा हॉटस्पॉट सेटिंग यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन सा सेटिंग कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सेटिंग ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं। तो हॉटस्पॉट सेटिंग यहाँ पर है। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है दोस्तों इनेबल और डिसेबल का बटन, ठीक है, जिसके थ्रू आप हॉटस्पॉट को इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट, जहाँ पे दोस्तों आप हॉटस्पॉट का नेम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इस तरीके से नेम को चेंज करें। और दोस्तों पासवर्ड आप भर सकते हैं। पासवर्ड भरने के लिए आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और WPA2 पर्सनल ये सेट कर देना है। उसके बाद आप पासवर्ड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है सेट कीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है नीचे में मिलेगा डिवाइस आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, तो आप इसको सेट कीजिए पोर्टेबल हॉटस्पॉट में। उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा सेलेक्ट एपी बैंड। एपी बैंड दोस्तों आप यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों सभी डिवाइस पे 5.0 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करते, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई सपोर्ट नहीं करते। अगर उनके डिवाइस पर 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करते तो आपके हॉटस्पॉट को वो पर भी नहीं पाएगा और आपके हॉटस्पॉट उनके डिवाइस पर शो कभी नहीं करेगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। अगर उनके फ़ोन पे 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप 5G स्पीड का जो नेट है वो शेयर कर सकते हैं। और सारे सेटिंग को सेव करने के लिए आपको टिक पर क्लिक करना है, ठीक है, तो सेव हो जाएगा। टिक का ऑप्शन ऊपर में था, शायद आपने देख लिया। और दोस्तों इसके बाद नीचे में आपको मिलेगा वन टाइम डेटा लिमिट, जहाँ से आप दोस्तों हॉटस्पॉट का डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर दीजिएगा। तो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप MB का साइज़ सेट कर सकते हैं, 50 MB, 100 MB, 150 कस्टम भी सेट कर सकते हैं। अगर आप 100 MB सेट करते हैं तो 100 MB आपके डिवाइस से अगर कोई चुरा लेते हैं उसके बाद वो यूज़ नहीं कर पाएगा, तो यूज़ तब नहीं कर पाएगा जब आप व्हेन एक्सीडेंट सेटिंग नहीं करते, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको टर्न ऑफ एंड नोटिफाई कर देना है, या फिर दोस्तों आपको नोटिफाई ही चाहिए तो आप ओनली नोटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप हॉटस्पॉट का वन टाइम डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली का सेटिंग भी है। तो ये सेटिंग दोस्तों तब काम आते हैं जब आपके हॉटस्पॉट पर एक्टिविटी नहीं रहते, यानी कि कोई भी आपके हॉटस्पॉट पर अगर कनेक्ट नहीं रहते हैं तो हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर देखें तो USB थेटरिंग है, ब्लूटूथ थेटरिंग है। तो लास्ट में आपको मिलेगा हॉटस्पॉट कनेक्टेड डिवाइस, कितने लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड भी कर सकते हैं अनलिमिटेड पे, तो 10 से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो नेटवर्क काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क स्लो हो जाते हैं, तो आपको 2 या 3 पर सेट करना है, इससे नेटवर्क स्पीड बने रहते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा हॉटस्पॉट का ब्लॉक लिस्ट। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कंप्लीट हॉटस्पॉट सेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं सेटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो हॉटस्पॉट का सेटिंग दोस्तों यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा सेटिंग कहाँ पे काम करते हैं आपको हॉटस्पॉट का, और कैसे कैसे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।